रमजान ईद की रौनक अब तक खत्म नहीं हुई है। मुस्लिम समाज द्वारा संपूर्ण अमरावती जिले में कहीं ना कहीं आए दिन ईद मिलन समारोह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते अचलपुर शहर के लिमरा फंक्शन हॉल में प्रहार संगठना के कार्यकर्ता मोहम्मद सोहेल खान, पंजाब बेदरेकर, मुस्तफा भाई जागीरदार व गाजी क्रिकेट क्लब की ओर से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर के गणमान्य राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकारों को बुलाया गया था, जहां अचलपुर के विधायक बच्चू कड़ू ने अचलपुर वासियों पर थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अचलपुर वासियों को हर बार विकास के साथीदार के साथ रहना चाहिए, लेकिन देखने में आता है कि अचलपुर के विधायक एवं सांसद से यहाँ की जनता दूर रहने के चलते अचलपुर का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए तो सभी को मिलजुल कर साथ रहने की जरूरत है। अचलपुर ईद मिलन कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि प्रहार संगठना हमेशा गरीबों के लिए कार्य करने में प्रथम रहती है। ईद में सिर्फ शिरखुरमा न होकर ईद में सिर्फ शिरखुरमे का कार्यक्रम आयोजित न कर अगली बार से गरीबों को भी गरीबों के हित के लिए तथा शिक्षा के लिए मार्गदर्शन हेतु कार्यक्रम इस ईद मिलन कार्यक्रम में होना चाहिए। गाजी क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं सोहेल जी को पंजाब और सबको मैं शुभकामना देता हूँ, उनको मिलने वाले थे। उस बहाने मैंने जो बताया कि मुस्लिम समुदाय में जो लोग हैं, जो खास करके हमारे युवा वर्ग है, उनके लिए कोई एजुकेशन के बारे में अगर एक अच्छा तो ईद मिलन में किरकुमा तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ माँ की पूजा भी मिलेगी। इस टाइप को लेकर अगर ईद मिलन हम अच्छा करेंगे, बिल्कुल ताकत से हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। तो अभी मुस्लिम टप्पे के अंदर हम देखे जाए तो एजुकेशन में अभी भी हम बहुत पीछे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब युवक भाई कि अगर एजुकेशन में हमें अगर आगे बढ़ना पड़ेगा तो खीर खुरमा के साथ कुछ ऐसा नॉलेज का कार्यक्रम लेना पड़ेगा जिससे हमारा ज्ञान और बढ़ेगा और लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। देखो एक बात अगर पता नहीं होती है तो सारा मामला बिगड़ जाता है। तो एजुकेशन के बारे में क्या हो रहा है देश के अंदर, दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ हैं, इसका अगर तालमेल लग जाए तो मेरे को लगता है रोड और रस्ते के साथ हमारे खुद का विकास अगर आगे ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान करता हूँ, खास करके गाजी क्रिकेट क्लब से आह्वान करता हूँ कि अगले बार अगर 15 दिन के बाद मिलेंगे तो एजुकेशन और हम इस मुद्दे के साथ। अचलपुर शहर लिमरा हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अचलपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक सेठ, विधायक बच्चू कड़ू, अचलपुर के पूर्व नगर अध्यक्ष कल्लू महाराज दीक्षित, नगर सेवक विलास भागवत, बबलू जवनजाल, बंटी ककरानिया, मोहम्मद सोहेल, पंजाब बेदुरकर, मुस्तफा भाई जागीरदार, मोहम्मद बाकिर अंसारी, अनवरुल हक, सल्लू भाई, अनिल पिमले आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। VCN न्यूज़ के लिए अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन।